वेल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं लाहौर से आरसा स्टडी कंसल्टेंसी मॉडल नाम से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दैन बहुत सारी तारीफ़ें एक लोगों के लिए। वेल अल्हम्दुलिल्लाह, टुडे इज़ लाइक 24th of September एंड आई हैव द पासपोर्ट ऑफ द उमैर साजिद एंड द उमैर साजिद फ्राम द डस्का एंड द सिटी इज़ लाहौर, आई मीन सियालकोट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, वी रिसीव द पिज़्ज़ा फॉर हंगरी। लाइक थैंक यू सर, वेलकम, बहुत बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू सर। सो साजिद, कैसा रहा सफ़र आरसा के साथ, स्टार्ट कब हुआ, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम उमैर साजिद है, मैं सियालकोट के से हूँ और सफ़र आपके साथ तकरीबन आज से 5-6 माह पहले स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मैंने आपका ऑफिस विज़िट किया था, वो पुराना ऑफिस था आपका जी। उसके बाद फिर जब मैंने वीज़ा फाइल करने के लिए, केस फाइल करने के लिए आपके पास इस ऑफिस में आया था, यहीं मुलाकात हुई थी आपके साथ। पहली मुलाकात तभी हुई थी जी, पहली उधर हुई थी, उसके बाद सेकंड जब मैं आया था इधर डॉक्यूमेंट देने के लिए, मतलब कि मेरा केस जो स्टार्ट किया जाए इधर आए। पहले मैंने किया हुआ था, बैचलर किया था कंप्यूटर साइंस में कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, उसके बाद अब मैंने एमएस के लिए अप्लाई करना था। आरसा के लिए कहाँ से आपने फाइंड आउट किया, फर्स्ट कैसा ये? मैंने आरसा को सोशल मीडिया पे फाइंड किया, वहाँ पे ऐड चल रहा था क्योंकि मैं इसके रिलेटेड सर्च कर रहा था बाहर के लिए, तो फिर वो रिलेटिवेंट जो सर्च है वो आना शुरू हो जाती है। वहाँ से मैंने आरसा की ऐड देखी, फिर इनका मैंने फेसबुक पेज चेक किया, फेसबुक पेज चेक करने के बाद फिर मैंने इंस्टाग्राम चेक किया, उसके बाद यूट्यूब चैनल चेक किया, फिर उसके बाद रिव्यू वगैरह चेक किए, वहाँ से मुझे लगा कि ये जो है ना एक ऑफिशियली एक दफ़ा पहले पूरा तजस्सुस से गुजरा जी, सर्च आउट की जी, बिल्कुल फाइंड आउट की जी, बिल्कुल मैं तसल्ली से मैंने चेक किया, फिर आप आए और आपने केस स्टार्ट कर जी, केस स्टार्ट कर दिया। डेफिनेटली हमने एक यूनिवर्सिटी और एक प्रोग्राम तो फाइनल जी बिल्कुल करना है था। फिर क्या आपको इस पूरे 4-5 से 6 माह के सफर में कहाँ मुश्किलात फेस कहाँ मुश्किल वाला आपको लगा, यार ये कहाँ है एक्टिंग जॉब? मुश्किल जॉब ऐसा इतनी नहीं थी, लेकिन ये था कि इस दफ़ा बीएमई का थोड़ा सा एडमिशन का जो प्रोसेस था वो लेट हो गया था, उसके बहुत डिस्टर्ब जी, इस वजह से थोड़ा सा लगा था कि मतलब आपको वाकई यकीन था कि यार हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है जी जी, बिल्कुल कंसल्टेंट की तरफ से नहीं है जी बिल्कुल, डेफिनेटली कोई अनाउंसमेंट ही अनाउंसमेंट बिल्कुल ऐसा ही है, क्यों? ठीक है। तो उसके बाद फिर उसका टेस्ट दिया था हमने, एंट्री टेस्ट जो था यूनिवर्सिटी का, उसके बाद उनका रिजल्ट आया, उसके बाद फिर उनका थोड़ा सा ना लेट हो गया था प्रोसेस, फिर एक टाइम पे मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब कि अब जो है ना सितंबर इनटेक में मैं नहीं जा सकूंगा, फेब में जा सकूंगा। फिर मैंने आपसे रब्ता किया तो के सर कुछ करें कि मतलब जल्दी हो जाए, फिर हमने फ़ीस जमा करवाई, उसके बाद आप लोगों ने कोशिश की, मुझे डेट भी लेट मिली थी, शायद इस मंथ की मिली थी इंटरव्यू की 28 डेट, फिर मैंने आपको फिर कॉल की कि सर कुछ जो है ना कोशिश करें हो सके, फिर आपने कहा कि हम वैसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी की डेट मिल जाए, फिर मुझे 24 अगस्त की मिल गई, एक मंथ तकरीबन पहले की मिल गई, फिर मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ कि इंशाल्लाह जो है ना सितंबर इनटेक में जी। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर के बारे में कैसा रहा सब कुछ? फाइनेंशियल बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, मतलब जो बात स्टार्ट में जिस दिन मैं आया था फर्स्ट डे आपके पास इधर, आपने वाइट पेपर पे मुझे सारा समझाया था कि मतलब ये फ़ीस होगी, ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी, ये हमारे चार्जेस होंगे, बिल्कुल वैसा ही चला, कोई मतलब कि एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जो मुझे सब कुछ समझाया गया जी, ये ऐसा चले होता है? ठीक है, आपका यकीन है कि जी, ऐसा नहीं लगा कि हमारी आरसा की कंसल्टेंसी पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये बात करते हैं कि यार ये तो मार्केट से बहुत ही ज्यादा चार्ज करते हैं जी, बिल्कुल ये चीज है, आपको नहीं लगा ये कि पॉइंट ऐसा तो नहीं है यार? तो क्या मुझे, मैंने देखा बाकी से ज्यादा चार्जेस हैं आप लोगों के, लेकिन फिर मैंने सारा जो चेक किया ना, मतलब प्रोसेस है वो बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, मतलब कि जब कॉल किया आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है जो है, मतलब कि झूठ या हीले बहाने नहीं किए कि कल हो जाएगा परसों हो जाएगा या हम कर रहे हैं, जो चीज़ आप लोगों ने जिस डेट तक कही है वो उसी डेट पे हो गया, और जब भी मैंने कॉल की है स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए उन्होंने फ़ौरन मुझे दी है। ये तो तब की बात है ना जब आपका सफर शुरू हुआ जी, बिल्कुल, मगर उससे पहले की कंसल्टेंसी डिसाइडेड जी एप्लीकेशन जी, बिल्कुल
एम्बेसी, ये कंसल्टेंसी जी बिल्कुल। तो तब आपके दिल में ये कहा यार ये तो लोग तो 50-60 हज़ार 40 हज़ार 70 हज़ार में, और ये तो 1.5 लाख पे पहुँच गए। मैं, मेरे लिए ये चीज़ जो है ना इतनी भी मैटर नहीं थी करती। मैं कहता था कि मतलब वीज़ा लगना चाहिए क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मतलब कि टाइम की नहीं वैल्यू शायद होती, वो वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है तो फिर दोबारा से वो टाइम मंथ इतने लगते हैं। मेरा ये था कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो वीज़ा लगने। क्या कहोगे जो ये समझते हैं कि यार आरसा इज चार्जिंग मच मोर अमाउंट, क्या हम उसका हक अदा करते हैं? जी बिल्कुल, हक का बिल्कुल अदा करते हैं। मैं टाइम इज़ मनी, अगर हमारे इधर 5-6 माह बच जाते हैं ना, मेरे ख्याल से बंदे के पैसे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ये देखे अगर मेरा वीज़ा लेट हो जाता, फैब इनटेक में चले जाता, तो वो उतने टाइम में उससे ज़्यादा लॉस हो जाता है। कभी किसी बंदे ने जब बहुत मेहनत की होती है तो उसके रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। मैंने आपको कहा कि यार वैसे की अपॉइंटमेंट अब मैंने आगे करवानी है, जी क्या करवा लूं? करवा लूंगा। तो आप 50,000 रुपया दे दो। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने बस मुझे यही कहा कि हम जो है ना कल तक आपको न्यू डेट बता देंगे, और वही हुआ नेक्स्ट डे मैंने आपको कॉल की तो आप लोगों ने कहा कि आपकी 24 अगस्त हो गई। क्या ऐसा हुआ कि कभी हमने कहा कि यार ये अब ट्यूशन फीसेज हमें दे दें? नहीं बिल्कुल नहीं, आपने जब वो चलान फॉर्म आया एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर जो कोड वगैरह था, आपने हमें मैसेज किया और यही कहा कि आप खुद ये फीस पे करें। इवन कि मुझे फीस जब जमा करवाई थी उसमें गलती हो गई थी, वो उस लिखने वाले जमा करवाने वाले ने कोड गलत लिख दिया था मेरा, उस वजह से मेरा 1 वीक ज़्यादा लग गया। वो भी आप लोगों ने कोशिश की, बार बार उन यूनिवर्सिटी को मेल की, तो फिर मेरी फीस अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाई हो गई थी। किसी फर्म को चूज करना राइट वे है किसी प्रॉपर लाइक बंदे लाइक फर्म को अपने करियर के लिए? जी बिल्कुल, ये सबसे जरूरी चीज है मेरे ख्याल। जी बिल्कुल राइट। एम्बेसी के फेज पे आते हैं। जी बिल्कुल। एम्बेसी गए आप इंटरव्यू देने? जी। क्या ऐसा नहीं था? अच्छा, आपके होते हुए वहाँ कितने लोग थे आपके अलावा? मेरे अलावा जब सुबह 9 बजे थे मेरा इंटरव्यू का टाइम, तो मेरे ख्याल 4-5 लड़के और थे। ठीक है, जो आपके अलावा थे जी हमारे ऑफिस से थे या अदर से थे? एक लड़का था इस ऑफिस का ही, उसने आरसा के थ्रू अप्लाई किया था, बाकी जो 3-4 थे वो लगे थे। फाइल में कुछ कभी डिस्कशन हुई वहाँ? जी बिल्कुल, जाते सारी उन्होंने मेरी फाइल देखी, मैंने भी उनकी देखी, मतलब कि उनके वैसे ही रफ से जैसे पे इकट्ठे नहीं किए होते सारे इस तरह से, लेकिन जब वो लड़के बैठे हुए थे जब बाहर वेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि अपनी फाइल चेक करवाना आप आरसा से। मैं कहा हाँ। उन्होंने चेक की मेरी हर चीज़ जो थी वो अच्छे तरीके से वेल मेंटेन थी, अलग अलग एजुकेशनल अलग थे डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल अलग थे, एक उनकी कॉपी जो थी वो अलग बनी थी, हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ था ऑर्गेनाइज वेल थी। आप दिली और जहनी तौर पे मजबूत थे? मैं जब डॉक्यूमेंट उनके देखे और अपने देखे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। वो उससे पहले तो मुझे नहीं था इतना आइडिया कि मतलब बाकी कैसे काम करते हैं, लेकिन जब मैंने बच्चों के मतलब डॉक्यूमेंट देखे जब अपने देखे तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया था। इनसाइड ऑफ द एम्बेसी जी। सो आप पहली बार एम्बेसी गए? जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम। पासपोर्ट था? जी। कोई वीजा तो नहीं था? नहीं, फर्स्ट टाइम था। तो पहला इंटरव्यू तो चाहे कोई भी शख्स दे, चाहे वो आपने बहुत ही तैयारी की हो। जी बिल्कुल। देखो एक अंदर हेजिटेशन होती है। तो क्या था फिर अंदर का एटमॉस्फेयर के बारे में? मैंने अपनी जो थी ना तैयारी अच्छी की हुई थी, मॉक सेशन भी दिए थे मैम नबीला के साथ, किए थे मॉक सेशन 3-4 किए थे, तो वो जो गलती होती थी वो मेरी निकाल देते थे। उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ घर तैयारी की, उसके बाद जब मैं फिर मेरी तैयारी अच्छी हो जाती जो गलतियाँ निकाल, फिर इनके साथ मेरा मॉक सेशन होता था। फिर एक दिन जाने से पहले फिर मेरा मॉक सेशन हुआ इनके साथ, तो इन्होंने कहा कि अब आपकी तैयारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतमिन हो गया था कि मतलब अब मोटिवेट भी हो गया। आपको लगा ये जो सेशन सिस्टम हमने किया ये अच्छा है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एम्बेसी में जब मैं गया था ना उधर कुछ जूनियर थे मेरे ख्याल से, उन्होंने FSC के बाद शायद अप्लाई किया हुआ था, वो बच्चे थे उन सिंपल जो मैथ का टेस्ट था वही नहीं था हो रहा, तो जो रिटर्न था क्वेश्चन ईयर वो भी उनसे फिल नहीं था हो रहा। लेकिन मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अपनी पूरी तैयारी करके गया था, एक और लड़का था जो बता रहा इधर का था उसको, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी हर चीज़ अपनी वहाँ पे टाइम पे करके उनको सबमिट कराई, जो भी उन्होंने गिवन टाइम मेरे ख्याल 1 आवर जितना भी था उसमें दे। क्या फोकस दिया वीज़ा ऑफिसर ने उस वीज़ा सेक्शन में जो इंटरव्यू ओरल हुआ? उसमें बेसिकली एक नई चीज़ ये थी कि मैंने ऐड किया था कि मतलब पहले तो था कि नहीं मतलब बताना कि भाई बाहर होते हैं, मेरे भाई इटली होते हैं, तो फिर हमने एक दिन जाने से पहले डिसाइड किया था कि हम एम्बेसी को बताएंगे। कैन यू रिपीट दिस वन कि हमने डिसाइड किया जी कि इनके बड़े भाई इटली में होते हैं जी, तो क्या हमने नहीं बताया?
बताया क्या उसका कोई नेगेटिव इमेज आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंप हुआ। आपके फोकस पे रखा जी? बिल्कुल, उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब आपके भाई इटली होते हैं? मैं कहा हाँ इटली होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप उधर मतलब कि क्यों नहीं अप्लाई किया स्टडी के लिए, हंगरी क्यों चूज़ किया? फिर आरसा वालों ने मेरी इस चीज़ पर भी ट्रेनिंग करवाई थी पहले ही, फिर मैंने वो उनको जस्टिफाई किया, वो सेटिस्फाइड हो गए मुझसे। आपको लगा नहीं कि यार मैं अपना वीक पॉइंट खुद सरासिफ के कहने या आरसा के कहने पे बता रहा हूँ, हो सकता है बाकी सब कुछ ठीक हो और वीजा ऑफिसर इस पे मुझे? जी बिल्कुल, ये था मुझे डर बिल्कुल था, लेकिन एक तरफ ये था कि मैं देख रहा था कि इनका इतना मतलब कि 10-11-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो इनका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा कुछ बेहतर ही होगा जो मुझे कह रहे हैं। फिर मैंने जो फाइनली डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं इनको बताऊंगा कि वो होते हैं भाई उधर, हाइड नहीं करूंगा, नहीं हाइड करूंगा, सच बताऊंगा। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन ईयर पे भी मेंशन कर दिया कि मेरे भाई जो है इटली होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वीजा ग्रांट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, देख लीजिए सच अपनी मंजिल के पास पहुंची। बेशक सर, शुरू दिन से लास्ट से आज तक मेरा इस वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले क्वेश्चन किया था जी, जी कैसे सारा कुछ स्मूथ गुजारा, क्या कहते हैं? मेरे ख्याल इतने ज्यादा तंग नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं, कभी फोन किया नहीं? अब तक तो आपने मेरी तारीफ की है जी, मैं जी आपकी करता हूं। ना कभी फोन किया, कभी ना पूछा, कभी एक आधा कभी टेक्स्ट कर दिया जी बिल्कुल, या वीजा एप्लीकेशन के बाद शायद आपने 2-3 बार जी बिल्कुल जी टेक्स्ट किया सर, कोई अपडेट? अपडेट जी अपडेट। फिर एक दिन मैंने अपडेट के अलावा ही आपको सिर्फ स्टिकर क्या कर दिया? स्टिकर, मैं सोया हुआ था जब मैंने उठ के देखा आगे मैसेज था पिक्चर का, मैंने कहा पिक्चर जो आई है ये कोई अच्छी न्यूज ही है, तो मैंने जब देखा तो वो आगे वीजे की तस्वीर में बड़ा सी, तो पैकेट फ्रॉम हंगेरियन एम्बेसी, तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग टाइम है आई थिंक, है ना? जी बिल्कुल, तो मैंने मैंने कॉल नहीं की थी, नहीं डायरेक्ट आपने पिक्चर सेंड किया था, पिक्चर भेज दी, मैंने कहा जब घूमर उठेंगे तो कॉल कर लेंगे। वेल ये सब अल्लाह पाक की रहमत है, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह पाक, देन माय क्लाइंट माय यंगर ब्रदर लाइक उमर साजिद हिज फैमिली हिज ब्रदर, सबसे पहले इन्होंने आरसा पे आने से पहले अपना एतमाद बहाल किया जी बिल्कुल, और बड़े कॉन्फिडेंस से ये कहा कि इंशाल्लाह स्टार्ट माय वर्क, फिर डेफिनेटली द आरसा टीम, आई एम वेरी थैंकफुल टू आरसा टीम, द वर्क वेरी हार्ड एंड वीजा एप्लीकेशन के लिए उस एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं कि वीजा ऑफिसर उसमें हमें कोई नेगेटिव रिजल्ट ना आए। एट द एंड बहुत बहुत शुक्र अल्लाह पाक का, अगर आपको मैं साजिद डस्का से और सियालकोट से आपको लगता है कोई क्वेश्चन पूछना, तो जब इनकी वीडियो अपलोड होगी तो आप पूछ सकते हैं। अल्फी अमान अल्लाह, हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह।